इसमें फर्स्ट जनरल मीटिंग में हम जा रहे हैं, तो फिरोज साहब को जो है कल चेयरमैन बनाया जाएगा। जैसे कि आप सबको मालूम है, जब इलेक्शन की शुरुआत से हमने एक चीज मीडिया में हमने बताया था, जाती तौर पे भी और पार्टी लेवल के भी, एक वादा हमने आवाम से ये किया था कि एक इस बार एक मुस्तकम एक और अच्छा कौंसल जो है वो हम देने की कोशिश करेंगे। जो एक कौंसल को लेके जो हमारे आवाम में जो एक ये है, उस चीज़ को ख़त्म करने की हम कोशिश करेंगे। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने जो यहाँ के जो दो बड़े पार्टीज हैं, हम दोनों मिल के इसी सोच के साथ कि हमारे आवाम को जो है एक अच्छा कौंसल दें। जिस तरह का कौंसल आज तक रहा है, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से आवाम जो है आवाम में काफ़ी बेदारी जो है पाए जाते थे, उन चीज़ों को ख़त्म करके एक चेंजिंग जो है इस कौंसल में लाने के लिए हमने हम दोनों पार्टियां जो है साथ में आए हैं। और खुसूसन यहाँ लोकल लेवल पे, यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे दोनों पार्टी के हैं, दोनों का ये एक ये था हाईकमांड से जो हमारे ये डिस्ट्रिक्ट था, इसलिए फिलहाल जो है हमने जो है कल जो फर्स्ट मीटिंग में सीसी का जो है इंतखाब होगा, उसके बाद बाकी चीज़ें जो है वो आप लोगों के सामने आ जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर। तो फिरोज साहब से एक सवाल है सर, तो दोनों पार्टी ने आपको मुंतखब किया सर, आपको चेयरमैन बनाया जा रहा है, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से। तो सर तरकीती कामों को लेके आप किस हिसाब से चलेंगे सर, खासकर आपके ऊपर तो बहुत जिम्मेदारी आएंगे, करगिल की तारीख में पहली बार एनसी और कांग्रेस का कोलिशन हो रहा है, तो आपको इस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन को भी साथ लेके चलना है, तरकीती कामों को भी आगे लेना है, तो सर देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो सबसे पहला जो प्राइमरी ये जो था पर्पस जो था वो था कि कैसे हम इसको एक स्टेबल काउंसिल एक मुस्तहकम काउंसिल बनाया जाए। नहीं तो हमने प्रीवियसली भी हमने देखा है कि काउंसिल में जब तक आपका इसमें स्टेबिलिटी नहीं होता तब तक आप कोई तरक्याती काम को डेवलपमेंटल काम नहीं कर सकते हैं आपका, अदरवाइज यहाँ क्या होता है हर जगह ब्लैकमेलिंग होता है, इसलिए कोई भी काम जो है डेवलपमेंटल काम आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट काम जिसको बोलते हैं वो नहीं कर सकते थे। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारे जो मेजर दो पार्टियां हैं जिसमें एनसी और कांग्रेस ये दोनों मिलके, और हमें पूरी उम्मीद है क्योंकि ये एक्सपीरियंस पहले रहा है स्टेट में छः साल जो है कोलिशन गवर्नमेंट चला है उमर अब्दुल्ला की क़यादत में और बहुत अच्छी तरह चला है, तो हमें उम्मीद है कि आने वाले सालों में भी इन फ्यूचर में भी अगर स्टेट का जो अभी नक्शा देखेंगे तो नक्शा भी वही बनने जा रहा है, तो हम समझते हैं कि ये शुरुआत हो गया यहाँ से। तो बाकी काउंसिल में तरक्याती काम क्या होंगे क्या होगा वो तो इंशाल्लाह मैं इलेक्ट होने के बाद आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी एज ऑफ नाउ मैं एक कैंडिडेट हूँ, अभी मैं सीसी बना नहीं हूँ, लेकिन हमारा सबका अवाम की भी ख्वाहिशात ये था कि किसी तरह से भी एक स्टेबल गवर्नमेंट हो एक काउंसिल हो, उस पे आज हम कामयाब हुए हैं इंशाल्लाह। जब स्टेबिलिटी होगी तो सारे काम जो है चाहे वो डेवलपमेंटल काम हो कोई भी काम हो उसमें आसानी हो। थैंक यू सर।